अहिंसा के पुजारी बापू की जयंती पर शुक्रवार को इंदौर में गांधी प्रतिमा के सामने ही हिंसा देखने को मिली। पीएम नरेंद्र मोदी की वेशभूषा में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे एक भाजपा कार्यकर्ता को देखकर कांग्रेसियों ने अपना आपा खो दिया। बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा पहनकर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचा था। माल्यार्पण के बाद जैसे ही वो नीचे उतरा, कांग्रेसी उस पर टूट पड़े और जमकर झूमा झटकी हुई। कार्यकर्ता का कहना है कि उसके साथ मारपीट भी की गई। कांग्रेसी यहां माल्यार्पण के साथ ही हाथरस की घटना का विरोध भी कर रहे थे। हमले के शिकार हुए भाजपा नेता लक्ष्मी नारायण शर्मा का कहना है कि वे मोदी के वेश में कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। गांधी जी क्या केवल कांग्रेस के हैं? सबको उन्हें माला पहनाने का अधिकार है। मैं माला पहनाने आया तो कांग्रेसी बौखला गए और मारपीट पर उतारू हो गए। ये नैतिकता के खिलाफ है।